हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है, एक और मंगल एक और दंगल, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आ गया हूँ। 5G की स्पेक्ट्रम सेल हो चुकी है एंड इसी से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स भी हैं, और कुछ ऐसी तो अपडेट है आपके होश उड़ जाएंगे भाई सुन के। सबसे पहली अपडेट है रिलायंस जियो की तरफ से। जियो ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है जियो गेम्स वॉच। ये सिंपली एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी गेमिंग को लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, फिर लोग आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं, कमेंट्स बाजी कर सकते हैं, जैसे वैसे आप नीचे कमेंट करते हो ना kind of समझ लो जैसे ट्विच पे गेमिंग होती है, उसी का जियो का इंडियन वर्जन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। जियो के इस प्लेटफॉर्म पे मोबाइल स्ट्रीमिंग भी पॉसिबल है 1080p फुल HD वाले रेजोल्यूशन पे। और मोबाइल स्ट्रीमिंग मतलब जैसे अभी तक चल रही थी ना BGMI की, BGMI तो खैर बैन हो गया, और कोई गेम खेल लेना मतलब अवेलेबल है। बेसिकली कोई भी यहाँ पे साइन अप करके अपनी गेमिंग को लाइव स्ट्रीम कर सकता है पब्लिक के लिए, एंड कोई भी देख भी सकता है, इंटरेक्ट भी कर सकता है। अगर जियो सेटअप बॉक्स की बात करें तो वहां पे एक डेडिकेटेड नया ऐप इन्होंने डाल दिया है जियो गेम्स वॉच के नाम से, वहां पे व्यूअर्स सारी गेम स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल यूजर हो, मतलब आपके पास एंड्रॉइड है या iOS है, तो आपके जियो गेम्स की ऐप के अंदर एक नया यहां पे सेक्शन खोल दिया है जियो गेम्स वॉच की। सही है वैसे, आप बताओ आपको क्या लगता है, YouTube और मतलब ट्विच के होते हुए क्या एक नया गेमिंग प्लेटफॉर्म की नीड यहां पे है? सक्सेस होगा या ओवर द टाइम फेड आउट हो जाएगा? क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट है HFCL के लिए, एंड ये क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं इंडिया में 5G इक्विपमेंट डेवलप करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में। बेसिकली HFCL, आपको नहीं पता तो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऐसी कंपनी है जो फाइबर ऑप्टिक्स एंड 4G 5G इक्विपमेंट्स के अंदर डील करते हैं। अब इन्होंने क्वालकॉम के साथ हाथ मिलाया, क्वालकॉम सारी बनाता है चिप्स, 5G के चिप्स, ये चिप वो चिप, तो स्पेशली यहाँ पे FWA यानी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के इक्विपमेंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है इन दोनों की पार्टनरशिप से। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे अभी के सिनेरियो में हमारा चल रहा है फिक्स्ड वायर्ड ब्रॉडबैंड, इसी का नेक्स्ट लेवल हो सकता है FWA फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। बेसिकली वायरलेस राउटर लग जाएगा जो डायरेक्टली टॉवर से कनेक्ट कर जाएगा। इस चीज को ये लोग कनेक्ट बनाना चाह रहे हैं एंड यहाँ पे इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अब टेलकोस के लिए ना 5G के बाद ये ही एक मेजर अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री के अंदर अभी तक जो सारे चल रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स, इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है 5G के साथ में FWA। टेलकोस को ना ये वाला टेक्नोलॉजी जो है ये बल्कि सस्ता पड़ सकता है करंट वाले फिक्स्ड वायरलेस वाले सिस्टम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टेलकोस की इंडस्ट्री के अंदर ये एक नेक्स्ट मेजर अपग्रेड हो सकता है 5G के बाद। अब क्वालकॉम जो है हमारे घर वाले राउटर डिवाइसेस के अंदर वो लगाएगा X65 चिप जो कि 5G मॉडेम के साथ आती है विद कैरियर एग्रीगेशन एंड एडवांस्ड एंटीने। काफी लोग शायद HFCL को हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर आपके घर में जियो फाइबर लगा हुआ है ना, तो पोल से लेके जो आपके सेट ऑफ बॉक्स तक जो वायर आती है उसको अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लैक कोटिंग के ऊपर आपको HFCL लिखा हुआ दिख जाएगा। मतलब कि HFCL जियो फाइबर को भी फाइबर केबल प्रोवाइड कराती है, इस लेवल की कंपनी है। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो ये है 89% लोग 5G चाह रहे हैं इंडिया के अंदर। रिसेंटली उकला ने एक सर्वे किया इंडिया के लोगों के साथ, 18+ एजेड सारे बंदे थे उसके अंदर। शॉकिंगली 89% लोगों ने बोला है कि वो 5G पे स्विच करना चाहते हैं। भाई ये तो मतलब नंबर ऐसा है सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि क्या हाई एक्चुअल है रियल 5G की। लेकिन मजे की बात तो ये है कि 48% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चाहिए, हमारे एरिया में जैसे ही 5G आ जाएगा हमें मतलब नहीं है कि हमारे ऑपरेटर में आए कि दूसरे ऑपरेटर में आए, हम पोर्ट आउट करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमको 5G एक्सपीरियंस करना है। 20% लोग बोले कि हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक हमारा ऑपरेटर हमारे लिए 5G हमारे एरिया में लेके आए। और 14% लोगों ने बोला कि उनके पास अभी 4G फोन है, लेकिन 5G का फोन आते ही वो 5G के प्लान्स यूज करना स्टार्ट करना चाहेंगे। 7% लोगों ने बोला कि उन्होंने अभी लॉन्ग टर्म रिचार्ज का प्लान लगा रखा है, लेकिन जब वो प्लान खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली 5G ट्राई आउट करेंगे। वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों ने बोला कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है 5G के अंदर, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो यार ये रिजल्ट्स तो काफी ज्यादा मजेदार थे, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। तो टाटा स्काई या टाटा प्ले ने एक नए यहाँ पे सुपर सेवर पैक्स लॉन्च किए हैं। मैं यूं कहूंगा कि पुराने प्राइसेस रिड्यूस कर दिए, क्योंकि अब इन्होंने तो क्या बोला है कि देखो आज के जमाने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को चूज करना पड़ रहा है कि एंटरटेनमेंट चूज करें या खाना पीना, तो ये हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम अपने पैसे कम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंजॉय करने का मौका दें DTH की सर्विसेज। तो इन्होंने यहाँ पे इस नए प्लान्स निकाले हैं सुपर सेवर पैक्स, और इनमें से सबसे बड़ा हाईलाइट है 249 का एक प्लान जिसके अंदर आपको हिंदी एंटरटेनमेंट के 300+ चैनल्स मिल जाते हैं, जो पहले 300+ के ऊपर में पैक में आता था, इंक्लूडिंग यहाँ पे ZTV सेट कलर्स और पता नहीं कौन कौन से, पूरी लिस्ट लगा दूंगा, 300 से ज्यादा चैनल्स हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि पैसे कम करके क्या इनका मार्केट शेयर दोबारा से बढ़ सकता है,
है क्योंकि अब लोग डीटीएच देखना ही नहीं चाहते, सबके सब ओटीटी या यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में अगर ये डीटीएच वाले सारे ऑपरेटर्स प्राइस अपने हाफ भी कर दें तो क्या लोग डीटीएच की सब्सक्रिप्शन लेंगे या फिर नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, हमको वो कंटेंट ही नहीं चाहिए एंड हम उसकी जगह पे दूसरे सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे। सब्सक्राइब से याद आया बटन तो दबा देना, नहीं दबाया हो तो। अगली अपडेट जियो 5G को लेके है एंड ये लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने टॉप 1000 सिटीज के अंदर 5G की प्लानिंग कंप्लीट कर दी है। समझ रहे हो 1000 शहर कितना मायने रखता है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 और ये सारी की सारी प्लानिंग इन्होंने हीट मैप्स के मदद से करी है। बेसिकली डिमांड को आइडेंटिफाई किया कि कहां पे ज्यादा डिमांड है और कहां पे ज्यादा यूजर्स हैं जो 5G यूज करना चाहेंगे, वहां पे पहले 5G लाएंगे एंड इसमें से पहले 9 शहर इन्होंने डिस्क्लोज कर दिए, जिसमें से कुछ नाम मुझे पता चले हैं, मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, जामनगर एंड लखनऊ। ये वन ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ सिटीज होने वाले हैं जिसके अंदर 5G आने वाला है। 15 अगस्त दूर नहीं है भाई, अगले हफ्ते की टेलकॉम में धमाल मचेगा। अगली अपडेट वी के 5G मार्केटिंग गेमिंग को लेके है। मार्केटिंग गेमिंग 5G कैसे, तो बेसिकली अभी तक स्पेक्ट्रम की सेल के बाद रिजल्ट क्या रहा है कि वी ने सबसे कम इन्वेस्ट किया है 5G स्पेक्ट्रम में, राइट। सबसे ज्यादा जियो ने किया, उसके बाद एयरटेल ने एंड उसके बाद लास्ट में वी ने। तो नेचुरल सी बात है कि वी की जो 5G प्रेजेंस है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होने वाली जितनी जियो या एयरटेल की होगी। अब अगर वी कंपनी की तरफ से देखो तो वो ऑलरेडी ऐसे कैश क्रंच से गुजर रहे हैं कि उनके लिए 5G में इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ ग्रोथ नहीं बल्कि अपना बचाव है कि अगर वो 5G में इन्वेस्ट नहीं करते तो सारा नया सब्सक्राइबर बेस जियो और एयरटेल ले जाते। ऐसे में वी की एक फील्ड के काम करा यहाँ पे 5G इन्वेस्टमेंट में, लेकिन यही चीज ऑपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। ऐसा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखो भाई क्या सीन है कि आपकी 5G प्रेजेंस काफी ज्यादा वीक होने वाली है बाकी कॉम्पिटिटर से। ऐसे में जो आपके सबसे ज्यादा पे करने वाले सब्सक्राइबर होंगे, जो यूजर्स आप पे ट्रस्ट करके सबसे ज्यादा आप पे स्पेंड कर रहे हैं आपके सर्विसेज पे, अगर उनके एरिया में 5G सर्विस आ जाती है दूसरे कैरियर्स की, तो इवेंचुअली वो सारे के सारे यूजर आपके नेटवर्क से पोर्ट आउट करके दूसरे में चले जाएंगे एंड देन दे आर नेवर कमिंग बैक अगेन। आउट ऑफ 22 सर्कल्स वी ने सिर्फ 17 सर्कल्स का लाइसेंस लिया है यहाँ पे 5G का, तो डेफिनेटली आगे चल के एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है एंड अगर ऐसी सिचुएशन मल्टीपल सर्कल्स में एक साथ बन गई तो वी का सर्वाइवल या दोबारा कम बैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा था कुछ वी के यूजर्स को कि वी 5G में इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसे में और आगे ग्रोथ हो सकती है, तो इंडस्ट्री का कुछ और ही कहना है। ये वाकई में थोड़ी सी ना ट्विस्टेड स्टोरी लगी मुझे कि भाई वी हर तरफ से घिर चुका है एंड पता नहीं अब आगे जाके क्या होगा। आपका कुछ ओपिनियन हो इस बारे में तो मुझे नीचे बता सकते हो। आज की फाइनल अपडेट है टेलकोज की नेक्स्ट बिग बेट इंडिया के अंदर। टेलको, आपको क्या लगता है कि टेलकोज की अगली सबसे बड़ी बेट क्या होने वाली है 5G के बाद? नहीं पता, मैं बताता हूं। अगली जो गोल्ड माइन है ना टेलको इंडस्ट्री के लिए वो हो सकती है गेमिंग इंडस्ट्री। Yes, you heard that right. तीनों ही प्लेयर्स इस चीज से बिल्कुल अग्री कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो बड़ा सेगमेंट यहाँ पे यूजर्स का है वो है गेमिंग सेक्टर का। कैसे वो मैं समझाता हूँ। इंडिया में जो गेमर्स है ना वो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि लोग उसको एज अ करियर भी परस्यू कर रहे हैं। तो गेमर्स को क्या चाहिए? फास्टेस्ट स्पीड एंड लोएस्ट लेटेंसी, एंड ये दोनों चीजें हमारे टेलकोस को 5G आने के बाद वैसे ही मिली जाएंगी। यही रीजन है कि जियो ने अपना स्पेक्ट्रम सेल क्लोज होने के बाद तुरंत ही जियो गेम्स वॉच यहाँ पे लॉन्च कर दिया एंड एयरटेल भी अपनी एक इसी तरीके की ऐप के ऊपर काम कर रहा है। एयरटेल ने भी यही बोला है कि बहुत जल्दी वो लोग एक गेमिंग ऐप लेके आने वाले हैं, लॉन्च करेंगे, जो स्पेशली गेमर्स को केटर करेगी। वहां पे गेमर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं। गेमर्स के ऊपर ना फुल फोकस दिया जा रहा है क्योंकि उनको पहले एंगेज करवाएंगे, स्टिकीनेस देंगे अपने नेटवर्क से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये वाले जो पोटेंशियल गेमर्स है ना, जो इनके कस्टमर्स हैं, वो बेसिकली हाईएस्ट ARPU वाले कस्टमर्स बन सकते हैं इन टेलकोस के। ब्रॉडबैंड प्लान्स एक्सपेंसिव वाले लेते हैं जो सारे गेमर्स होते हैं, 1 GBPS वाला एक नॉर्मल सी बात होती है अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे गेमिंग कर रहे हो तो। तो ऐसे में ये जो गेमर्स हैं इनको चाहिए लो लेटेंसी। क्या पता आगे चल के जो टेलकोज हैं वो जितना कम लेटेंसी उतना ज्यादा पैसा ऐसा कुछ प्लान निकाल दें इन गेमर्स के लिए, नोबडी नोज। तो ये कुछ थे आज के पूरे टेलको अपडेट्स। आप बताओ आपको कौन सा सबसे फेवरेट लगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ये वाली पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, कोई टेंशन नहीं। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे सगास्टेक, सी या।